हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा 2023 देव दिवाली कब है, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किस विशेष जगह पर दीप दान करना चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान के साथ ही देव दिवाली के रूप में भी जानी जाती है। ये पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद आता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन देवी देवता काशी की पवित्र नगरी में आते हैं और दिवाली का पर्व मनाते हैं। इसी के कारण इस दिन वाराणसी के हर एक घाट को दीपों से सजाया जाता है और घरों में भी दीपक जलाए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस बार देव दिवाली की तिथि, शुभ मुहूर्त और आज के दिन विशेष रूप से किस जगह दीपदान करना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं देव दिवाली कब है 2023 में। दोस्तों, देव दिवाली का पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 26 नवंबर दिन रविवार को कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है। देव दिवाली का पर्व 26 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं देव दिवाली दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 26 नवंबर के दिन देव दिवाली पर दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम यानी कि प्रदोष काल में 5:08 से 7:47 तक का रहेगा। इस दिन प्रदोष काल में किसी नदी किनारे और घरों में दीपदान किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं देव दिवाली पर किए जाने वाले विशेष दीपदान के बारे में। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने से पूरे वर्ष इसके शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, देव दिवाली के दिन खासकर नदी के किनारे जाकर 5, 7, 11, 21, 51 या 108 की संख्या में दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे, आंगन में लक्ष्मी गणेश और हरिहर के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।